चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सवाल और जवाब का जो टाइम था उसमें स्टेट बैंक का जो रास्त का पेमेंट सिस्टम था उसके बारे में सवाल आया। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, मगर क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत सी चीजें इससे मुंसलिक हैं, तो आपकी इजाजत से मैं इस पे मुख्तसरन कुछ कहना चाहती हूँ। जी बताएं। तीन, ये जो फास्टर पेमेंट सिस्टम स्टेट बैंक ला रहा है उसकी तीन खास पब्लिक इंटरेस्ट की खसूसियात हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके जरिए तमाम बैंकों के जो कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं वो स्टेट बैंक के साथ मुंसलिक हो जाएंगे और उससे जो इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है वो बहुत बड़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा। इसका क्या मतलब है आम फहम जुबान में? मैं आपको एहसास की पेमेंट्स की मिसाल देना चाहती हूँ ये बात समझने के लिए, कि आम आदमी की ये बात समझ में आ जाए कि इंटरऑपरेबिलिटी से रास्त के थ्रू जो है उससे क्या फायदा होगा। आज जो है एहसास की जो पेमेंट्स हैं वो दो बैंकों के जरिए होती हैं। पिपरा रूल्स के तहत उन बैंकों की हमने प्रोक्योरमेंट किया है और उन्हीं को ठेका है कि उन्हीं की जो ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम है उन्हीं से पेमेंट हो सकती है। मगर जो बैंकारी के निजाम में जो बहुत सी ब्रांचेस हैं, जो गली गली जो बैंक्स हैं, उनमें एहसास बेनिफिशरीज जाकर पेमेंट्स नहीं ले सकती क्योंकि हम दो बैंक्स के से बाउंड हैं। वो हमसे बहुत तावन करते हैं और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं, मगर क्या ही अच्छा होता कि हर खातून अपने ही गली मोहल्ले के करीबी बैंक में जाके और अपने पैसे निकाल लेती जैसे हम और आप निकालते हैं। तो अब रास्त के जरिए ये होगा कि तमाम बैंक्स की इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगी और हर जो हमारी जो एहसास के बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कूल के पैसे लेने वाले बच्चे हैं, चाहे वो खवातीन हैं, वो किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके और अपने पैसे आसानी से ले सकेंगे और ये पूरा बैंकारी का निजाम उनके लिए इकोसिस्टम खुल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और ये जो रास्त का में क्योंकि तीन माइलस्टोन्स हैं, जो पहला माइलस्टोन है गवर्नमेंट टू पीपल G2P, क्योंकि वो डिप्लॉय हो गया है और उसके तहत ये इंशाल्लाह कुछ इदारे ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गए और इंशाल्लाह एहसास भी इंटीग्रेट होगा और ये बहुत पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत बड़ी चीज है, नंबर एक। जो दूसरी उसकी खसूसियत है वो ये है कि आम आदमी के लिए बैंकारी के निजाम में शमूलियत में बड़ी आसानी होगी। नाखानदगी की शरह यहाँ बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है कि लोगों को अपने अकाउंट नंबर याद रखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब रास्त के जरिए जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका अकाउंट नंबर जाना जाएगा और इसमें लोगों को बैंकारी के निजाम में शमूलियत में बहुत आसानी होगी। तो ये तो उसकी दूसरी खसूसियत है जनाब चेयरमैन। तीसरी उसकी ये खसूसियत और जो दूसरी खसूसियत है वो इंशाल्लाह इस अक्टूबर में इनेबल हो जाएगी। जो तीसरी खसूसियत है रास्त की वो ये है कि उसके जरिए रिक्वेस्ट टू पे का फीचर इनेबल हो जाएगा। रिक्वेस्ट टू पे का ये मतलब है कि इंशाल्लाह अगले साल आपका दूध वाला, आपका अखबार वाला आपको पेपर बिल नहीं देगा, वो आपको ऐप के जरिए आपसे पेमेंट मांगेगा और आप ऐप के जरिए उसको पेमेंट देंगे। और ये बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज होगी लोगों को, लोगों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए। तो जनाबी चेयरमैन मैं कहना ये चाह रही थी कि जो रास्त है वो सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, वो एक बड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है पेमेंट सिस्टम में, बैंकारी के निजाम में, और उसके जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि मालियाती जो शमूलियत होती है उसमें बहुत एक क्वांटम चेंज आएगा, खास तौर पे पसमानदा लोगों के लिए जिनके लिए ये गुर्बत से निकलने का इंशाल्लाह ये जरिया बनेगा। और खवातीन की माशी खुद मुख्तारी में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। तो मुझे ये मौका देने का बहुत शुक्रिया कि मैं इसको आजाद कर सका। सवाल और जवाब का जो टाइम था उसमें स्टेट बैंक का जो